तो यहां से मैं कोई भी एक ब्रिक पैटर्न एरिया राइट क्लिक ऐड टू सीन ये लगाए यहाँ पे, और इसका साइज वगैरह में मटेरियल एडिट यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ। अब अगर मैं इंटरेक्टिव रेंडर यहाँ पे ऑन करता हूँ तो आपको इस तरीके से रेंडर यहाँ पे दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेंडर में क्या है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, सन शेडो इस तरीके से नजर आ रही है। आपको ये चेंज करनी है, तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे अपना डिफॉल्ट रे में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा शेडो, शेडो को ऑन करो यहाँ से, और ऑन करने के बाद आप डेट और टाइम यहाँ पे डाल सकते हो कि ये टाइम क्या रखना है और आपको डेट कौन सी रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी शेडो को यहाँ से चेंज कर सकते हो लाइक दिस। अगर आप मान लो यहाँ पे कोई एक विंडो क्रिएट करते हो, या आपने इसको मैं विंडो क्रिएट करती, अब इसमें से देखो इंटरेक्टिव रेंडरिंग में आ रही है ना शेडो इस तरीके से, तो आप कोई भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि किस टाइप से मेरे को शेडो चाहिए। एक तो ये वाला वे, इसमें यहाँ पे आप लाइट को डार्क कर सकते हो अगर आपको डार्क करना है, अगर ब्राइट करना है ब्राइट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बट दूसरा तरीका क्या होता है कि हम लाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिखेगी आपकी, सनलाइट की प्रॉपर्टी। आप सनलाइट की प्रॉपर्टी पे जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मैं पूरे एनवायरनमेंट की लाइट्स वगैरह को अपने तरीके चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल क्लिक ऑन सनलाइट, ठीक है। सनलाइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे है कस्टम ओरिएंटेशन, अभी तो आपकी ये ओरिएंटेशन चल रही है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ शेडो। शेडो को अगर ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे शेडो दिखनी बंद हो जाएंगी, बट यहाँ पे दिखेगी आपको ऑलरेडी। मैं चाहता हूं इसको मैं इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करूं, तो कस्टम ओरिएंटेशन को आप यहां से ऑन कर दो तो ये शेडो अब इसकी आ जाएगी, ठीक है। यहां पे आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को चेंज कर सकते हो। दिस इज योर वर्टिकल एंगल, जितना वर्टिकल एंगल 90 डिग्री पे लेके जाओगे तो ये लगा लो कि बिल्कुल शार्प शेडो पड़ेगी जो आपकी सन की पड़ती है, यहाँ पे शेडो देख सकते हो कि इस तरीके से शेडो आ रही है, और यहां से आप अपने सन को रोटेट कर सकते हो कि किस एंगल पे आपको अपने सन को रोटेट करना है, क्लियर है। हाँ जी जितना नीचे लेके आओगे तो डार्क मोड ओपन हो जाएगा, तो आपको सिर्फ आपको जो आर्टिफिशियल लाइट आपने लगाई होगी वही दिखेगी, वही देखेंगे। ठीक है। ये आप यहां से चेंज कर सकते हो, वरना वहां से भी चेंज कर सकते हो, एक ही बात है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आता है कलर, कि आपको कलर क्या रखना है, आप जो भी कलर यहाँ पे डालोगे सन का वही कलर आ जाएगा, जो भी कलर आप यहाँ पे डालोगे उसी टाइप का कलर तो आता है। येलो ही होता है ना। हाँ, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। कलर को आप डार्क कर सकते हो, कलर को आप ब्राइट कर सकते हो। कलर मोड आपको फिल्टर रखना है, एक डायरेक्ट होता है एक ओवरराइड होता है, तो हम इसे फिल्टर रखेंगे। एक होता है इंटेंसिटी मल्टीप्लायर, इसमें क्या होता है कि आप अपने सन की लाइट को कितना ब्राइट करना चाहते हो, अगर कम करोगे सनलाइट कम होगी, बढ़ाओगे तो सनलाइट बढ़ जाएगी। यहाँ पे अब 2 आ गया, इससे भी ज्यादा करना है तो मैनुअल वैल्यू डाल सकते हो। आप मान लो आपको 10 कर दिया एंटर, देखो 10 कितने और आ गया ब्राइट आपका सन, डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप सन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ये दोनों चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हो कि इंटेंसिटी आपने 2 कर दी, या फिर कलर आपने यहाँ से चेंज करके क्या कर दिया, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद है साइज मल्टीप्लायर। साइज मल्टीप्लायर क्या होता है कि मान लो आपने वाइट किया, साइज मल्टीप्लायर क्या होगा कि आप इसकी शेडो देखो, साइज मल्टीप्लायर मान लो मैंने बिल्कुल कम कर दिया, तो आप देखोगे जहां पे भी शेडो बन रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बिल्कुल शार्प शेडो है, ठीक है। मान लो मेरे को शेडो शार्प नहीं चाहिए, मेरे को शेडो थोड़ी ब्लरी चाहिए, तो जितना मैं साइज मल्टीप्लायर को इंक्रीज करूंगा उतनी ही आपकी शेडो जो बनेगी वो ब्लरी बनेगी। अब ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे शार्प शेडो चाहते हो, कहाँ पे ब्लरी शेडो चाहते हो। ब्लरी मोस्टली शैडो शार्प होती है या ब्लरी होती है? होती है, ब्लरी ज्यादा होती है, देखो डिपेंड करता है, जैसे आपका बिल्कुल दिन का टाइम होता है 12 बजे का टाइम होता है 1 बजे का टाइम होता है, तो बहुत वो जो ब्राइटनेस होती है सन की काफी ज्यादा होती है, तो क्या होता है कि जितनी शेडो पड़ती है मोस्टली शार्प पड़ती है। जब ट्रीज वगैरह की, लीफ वगैरह के जब वहां पे शेडो पड़ती है जमीन पे ट्रीज वगैरह का, तो वो तो शार्प नहीं होती ना,
वो थोड़े डिस्टेंस पे होती है तो, बट वो ब्लरी होती है, तो हम साइज मल्टीप्लाई को बढ़ाएंगे ताकि वो जो ट्री वगैरह की शेडो दिखे वो ब्लरी दिखे। वो आपके व्यू पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सटीरियर रेंडर करते हो सनलाइट जब यहां पे पड़ेगी तो देखो वो कहां पे है, ये देखो यहां पे शेडो पड़ रही है, ब्लरी आ रही है ना। अगर आप यहाँ पे शार्प करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा वगैरह का, तो आपको वहां पे साइज मल्टीप्लायर बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो इस तरीके की शेडो आए। यहाँ पे देखो यहाँ पे शार्प आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्लरी आ रही है, यहाँ पे देखो हल्की सी शार्प और थोड़ी सी ब्लरी आ रही है, यहाँ पे ब्लरी आ रही है, तो ये साइज मल्टीप्लायर की हेल्प से है, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लरी आ रही है तो वो आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे शार्प आ रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके व्यू के ऊपर कि आप किस तरीके का व्यू चाहते हो। उसके बाद है आपको यहाँ पे स्काई की सेटिंग, स्काई में है स्काई मॉडल। किसी भी चीज पे अगर आप जाते हो, अगर वहां पे कर्सर लेके जाते हो तो वो उसके बारे में आपको बताएगा भी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप उस पे कर्सर ले जाके भी देख सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब है स्काई मॉडल, होसेक ETAL है तो आपको यही रखना है, बाकी सारे भी स्काई के मॉडल है वो आपको यूज नहीं करने, सिर्फ हम एक ही यूज करेंगे होसेक वाला। अब है टर्बोडिटी, टर्बोडिटी होता है यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डस्ट इन द एयर एंड अफेक्ट द कलर ऑफ द सन एंड स्काई। जो एयर का होता है उसकी डस्ट को ये आपका कंट्रोल करता है। अगर मैं टर्बिडिटी को बढ़ाता हूं तो आप देखोगे आपका व्यू थोड़ा सा वार्म हो गया, अगर मैं कम करता हूं तो थोड़ा कूल इफेक्ट आ जाएगा। ये आपके कलर पे इफेक्ट करता है। और ओजोन क्या करता है, कलर ऑफ द लाइट चेंज करता है। जीरो का मतलब है आपकी सनलाइट को येलोइश बनाएगा और मैक्सिमम 1 तक जा सकते हैं, इसका मतलब है आपकी लाइट को ब्लूश बनाएगा। अगर आप कम करोगे तो येलोइश लाइट आएगी, इसको बढ़ाओगे तो आपकी ब्लूश लाइट आएगी। ये भी आप अपने तरीके कंट्रोल कर सकते हो। ये उसके सब बाद लाइटिंग के ही बोला क्या? सारा कुछ लाइटिंग का है ये। उसके बाद है ग्राउंड एल्बिडो, ग्राउंड एल्बिडो का मतलब है जो ग्राउंड का कलर है आपको थोड़ा सा इस तरीके का दिख रहा है ग्रेइश कलर में, तो आप इस पे क्लिक करके आप अपने कलर को चेंज कर सकते हो कि मेरे को डार्क चाहिए, मेरे को येड चाहिए, तो वही कलर आपको उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ब्राइट चाहिए या डार्क चाहिए वो चेंज कर सकते हो। ब्लेंड एंगल ये होता है जो देखो स्काई और ग्राउंड का जो ब्लेंड है ना बीच में, ये आपको ब्लरी नजर आ रहा है, ये आपको अगर कम करोगे तो शार्प नजर आएगा। अगर ब्लेंड करना है तो ब्लेंड बढ़ा दो तो वो आपको इस तरीके से ब्लेंडिंग में नजर आएगा, ब्लरी नजर आएगा। और ये ऊपर चाहिए नीचे चाहिए तो होरिजोन ऑफसेट को आप ऊपर या नीचे कर सकते हो, तो वो अपनी पोजिशन को ऊपर या नीचे करेगा। ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे इनविजिबल, सन इनविजिबल हो जाएगा, ये अभी इफेक्ट नहीं करेगा। शेडो अगर ऑफ करोगे तो शेडो दिखाई नहीं देगी। अफेक्ट डिफ्यूज, इसका मतलब है कि जब भी हम कोई भी कलर को लगाते हैं, मटेरियल लगाते हैं, तो कहाँ पे लगाते हैं, डिफ्यूज के अंदर लगाते हैं ना, कोई भी कलर या फिर कोई भी टेक्सचर, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी सनलाइट है उसका इफेक्ट किसी भी डिफ्यूज पे ना पड़े, मतलब किसी भी कलर पे टेक्सचर पे। तो अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो सनलाइट है किसी भी डिफ्यूज कलर पे आपका दिखेगी नहीं, आपका सिंपली जो रिफ्लेक्शन वाले आइटम्स है उन पे दिखेगी। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को रिफ्लेक्शन में भी कोई नहीं चाहिए तो अफेक्ट रिफ्लेक्स स्पेकुलर भी हटा दो तो वो रिफ्लेक्शन में भी नजर नहीं आएगी। और अगर अमाउंट कम करनी है कि मेरे को रिफ्लेक्शन में कम नजर आए तो आप कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, ऐसे डिफ्यूज पे आपको कम या ज्यादा चाहिए तो आप कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कॉस्टिक फोटोन, कॉस्टिक फोटोन होता है कॉस्टिक सब डिविजन। कॉस्टिक्स जहां पे भी आपको सब डिविजन लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब है कि जितनी वैल्यू आप इसकी इंक्रीज करोगे तो उतना ही आपकी नॉइसी इमेज कम होगी। मतलब जब आप रेंडर करते हो किसी भी इमेज का, आपने देखा होगा नॉइस आ जाती है, डॉट 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 डॉट, जितना इसको बढ़ाओगे उतना डॉट कम होगी, जितना कम करोगे उतना डॉट बढ़ जाएंगी, बट जितना कम करोगे उतना फास्ट रेंडर होगा, जितना ज्यादा करोगे उतना स्लो रेंडर होगा। रेंडर होने में कर्सर कितना टाइम लगता है सर अपना? क्योंकि डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, जो मैंने आपको आपके हॉस्टल हाँ, वाला दिखाया था वो मैंने हाफ एन आवर रखा था सर ऑन। तो डिपेंड करता है
आपके एलिमेंट पे कि कितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं, कितना ग्लास का आइटम है, कितनी लाइट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसको पढ़ो, कॉस्टिक को डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉस्टिक फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स। लोअर वैल्यू मीन्स मोर नॉइसी रिजल्ट बट विल रेंडर फास्टर, और हायर वैल्यू प्रोड्यूस स्मूथर रिजल्ट बट टेक मोर टाइम। क्लियर है? ऐसे ही आपका इमिट रेडियस है, इसी तरीके से ही काम करता है। ये हो गई आपकी लाइट। अगर आप सनलाइट को ऑफ करते तो आपकी सनलाइट ऑफ हो जाएगी, ऑन करोगे सनलाइट ऑन हो जाएगी। ओके, ऐसे करके आप अपनी सनलाइट को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तो हो गई बात ओनली सनलाइट की। अगर मैं सनलाइट की बात ना करके बाकी सब लाइट्स की बात करूं, तो बाकी सब लाइट में हमारा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और वीरे लाइट को ऑन किया, दीज आर द लाइट। ठीक है, इन लाइट्स में सबसे पहले हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर लाइट, एक होती है स्फीयर लाइट, स्पॉट लाइट, आईएस लाइट, ओमनी लाइट एंड डोम लाइट। इनको हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं। मान लो मेरे को लाइट यूज करनी है, मान लो मैं इसी सरफेस पे लाइट को यूज करता हूँ ताकि मेरे को इजिली दिखती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूज करता हूं यहाँ पे एक आपकी स्पॉट लाइट, या फिर मैं एक स्फीयर लाइट लगा के दिखाता हूँ जो नॉर्मल सी लाइट होती है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्फीयर लाइट पे, मैं अपने सरफेस पे गया, यहाँ पे मैंने ड्रैग करके एक लाइट क्रिएट कर दी, ये मेरी स्फीयर लाइट आ गई, और इसको मैंने मूव कर दिया ऊपर की तरफ कि मेरे को थोड़ा सा ये ऊपर चाहिए, तो ये मैंने ऊपर कर दिया। इंटरेक्टिव रेंडर ऑन किया, अब यहाँ पे देखो लाइट दिख रही है, बट सनलाइट है तो इसमें तो लाइट दिखेगी नहीं बिल्कुल भी। तो मैं क्या करता हूँ, सनलाइट को ऑफ करता हूँ, तो अब मेरे को ये लाइट दिखाई देगी। और सनलाइट को ऑफ करके अब यहाँ पे जो मेरा व्यू नजर आ रहा है वो मेरा, मान लो मैं सनलाइट ऑन किया बट मैं डार्क कर दूंगा, अभी से डार्क करूंगा, देखो तो अब लाइट नजर आ रही है अभी ये, ताकि ठीक है अभी सनलाइट में भी ये दिखेगा। अब इस लाइट का क्या बेनिफिट है, ये स्फीयर की तरह होती है, स्फीयर लाइट हो जाओगे कहीं पे भी आपको स्फीयर लाइट लगानी है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, और इसका प्रिव्यू आप यहाँ पे भी देख सकते हो। लाइट में क्या क्या चीजें होती हैं, अब लाइट अगर आप मार्केट से लेने जाते हो तो क्या क्या होती है, कि कलर क्या चाहिए, उसकी वाटिंग कितनी चाहिए, और उसका साइज कितना चाहिए, बड़ा या फिर बल्ब चाहिए, मरकरी लाइट चाहिए, एलईडी लाइट चाहिए, स्पॉट लाइट चाहिए, तो इसी तरीके से आप मार्केट से परचेज करते हो। तो मान लो स्फीयर लाइट है, इसका कलर को मैं डार्क और ब्राइट कर सकता हूँ, कलर को यहां से चेंज करके मैं चेंज कर सकता हूँ जो भी मेरे को कलर चाहिए। ये बेसिकली वो लाइट्स है ना जो लाइक बाहर एक्सटीरियर में लगती है, कहीं जैसे पे भी लगा सकते हो, अभी तो लाइट। आएंगी डिफरेंट टाइप्स की लाइट आएंगी, इसको कहाँ यूज करना है वो सब बताऊंगा मैं आपको। इंटेंसिटी अभी 30 है, कम करूंगा लाइट कम हो जाएगी, बढ़ाऊंगा लाइट बढ़ जाएगी, और बढ़ानी है मैन्युअली बढ़ा सकते हो कि मेरे को इसकी 100 चाहिए तो 100 की लाइट हो जाएगी, उसी के हिसाब से आपकी यहाँ पे रोशनी हो जाएगी। यूनिट डिफॉल्ट कर सकते हो, या फिर इसके अलग अलग यूनिट है, ल्यूमिनस है, रेडियंट पावर है, रेडियंस है, ये कर सकते हो, वरना आप डिफॉल्ट यूज कर सकते हो। साइज को आप बढ़ा सकते हो कि बड़ा साइज चाहिए, छोटा करना है छोटा साइज चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में जाओगे, इनविजिबल करोगे, सिर्फ आपको रोशनी नजर आएगी, वो लाइट सोर्स नजर नहीं आएगा। ठीक है, नो डिके करोगे तो इस तरीके से नजर आएगा, इसे छोड़ दो अभी के लिए। अगर आप शेडो करोगे तो आपको शेडो नजर नहीं आएगी, मान लो आपने यहाँ पे कुछ बनाया, मान लो आप यहाँ पे कुछ बनाते हो, ये मैंने लिया और इसको मैंने पुश कर दिया, अब देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, अब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ बनाओगे तो एकदम से आपको चेंज दिखेंगे, देखो अब अच्छे से लग रहा है ना कुछ रियल सा। ठीक है, तो ये शेडो पड़ रही है आपकी लाइट की, अगर आप शेडो हटा दोगे तो शेडो नहीं आएगी, तो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक नजर नहीं आएगा। शेडो ऑन करोगे तो आपको शेडो नजर आएगी और आपको अच्छे से नजर आएगी चीजें। अब देखो शेडो ऑन कर दी, इनविजिबल कर दिया, अब आपको अच्छे से नजर आ रही है चीजें, जैसे आपका पेरिस का सीन हो रात का। ठीक है, उसके बाद वही कि इसका इफेक्ट डिफ्यूज कलर पे ना पड़े, ऑफ कर दोगे तो किसी भी डिफ्यूज पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑन करोगे पड़ेगा, स्पेकुलर रिफ्लेक्टेड वाली चीजों पे रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम चीज। सेम चीज हो गई। क्लियर है, ये आपका लाइट की प्रॉपर्टी है, दिस इज योर स्फीयर लाइट। चलो अब हम थोड़ा सा दीवार के लिए बनाते हैं, जो कि आपकी होती है स्पॉटलाइट। तो मैंने यहाँ पे लाइट पे गया, दिस इज योर स्पॉटलाइट, क्लिक ऑन स्पॉटलाइट, और आप जहां पे भी आपको स्पॉट देखना है ठीक है आपको वहां पे क्लिक कर दो, और आपको ये आपने क्लिक कर दिया तो आपकी लाइट लग गई है। ठीक है,
अब जो आपकी लाइट लगी, आप लाइट को सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम करके अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लाइट नजर आ रही है? नहीं आ रही ना दीवार पे? नहीं स्पॉट लाइट की इंटेंसिटी 1000 है, तो मैं इसको 1 0 और बढ़ा दूँ, अब दिख रही है कुछ भी? नहीं। नहीं तो मैं क्या करूंगा, इस लाइट को यहां से सिलेक्ट करूंगा और हल्का सा मैं मूव कर देता हूं आगे की तरफ, अब दिख रहा? हाँ अब डिपेंड करता है ये दिखेगी कब, जब आप इसे लगाओगे अच्छे से। जो ये कोन है ना इसका हाँ ऊपर वाला, वो दीवार के अंदर भी होना चाहिए, ओके ठीक है? ये इस तरीके से लगा सकते हो, फिर इसे आप रोटेट वगैरह जो भी करना चाहो कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी पे जाओगे, वही है, इंटेंसिटी को कम या बढ़ा दो, वो उसके हिसाब से आपकी इंटेंसिटी आएगी। इस तरीके से बढ़ा सकते हो। कलर चेंज करना है कहीं पे भी, आप कोई भी कलर डाल दो, वो वाला कलर आ जाएगा, ठीक है? उसकी यूनिट वही सब चीजें हैं। कोन एंगल, अब ये एंगल बढ़ाना है तो ये एंगल बढ़ जाएगा, देखो आप कैसे मतलब उसकी लाइक एरिया रेडियस कर एरिया सकते रेडियस बढ़ जाएगा बिल्कुल। फाइनल ज्यादा कर दो, 180 डिग्री भी कर सकते हो, अगर आप कर दोगे 270 डिग्री तो वो और घूम जाएगा ऐसे, इस तरीके की लाइट आ जाएगी, ओके ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की चाहिए। 45 डिग्री क्या इतना आ गया, कितने का एंगल आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? अब एक होता है पेनुम्ब्रा एंगल। पेनुम्ब्रा एंगल अगर बढ़ाओगे तो ब्लरीनेस बढ़ जाएगी साइड में, वो शार्प नहीं आएंगी। देखो साइड में आपका शार्प एजिस नहीं है, कोन हाँ एंगल से तो पूरा एंगल बढ़ेगा और एजिस शार्प रहेंगी, ठीक है? पेनुम्ब्रा एंगल से सिर्फ इसका रेडियस बढ़ेगा साइड को, और साइड की चीजें आपकी ब्लरी हो जाएंगी। आप इस तरीके से इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है? ठीक उसके बाद है पेनुम्ब्रा फॉल ऑफ, कि आपको कितना फॉल ऑफ चाहिए, लीनियर चाहिए या स्मूथ क्यूबिक चाहिए। तो स्मूथ में आएगा उसका फॉल ऑफ ना, ये जितना आपका मैं बात करूं सारा का सारा इसके, इस शार्प ब्लरीनेस की, ठीक है? वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है डिकाई, इनवर्स करोगे इनवर्स इस तरीके से आ जाएगा, नो डिकाई, वरना आप इनवर्स स्क्वेयर जो भी इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है वही रखनी है। और शेडो का रेडियस कितना रखना है वो आप रेडियस बढ़ाओगे तो आपकी शार्प स्मूथनेस और बढ़ जाएगी, ठीक है? लिखा भी हुआ है इस पे, 0 का मतलब है लाइट लार्जर वैल्यू प्रोड्यूस मोर शार्प सॉफ्ट शेडोज। ऑप्शन वही है, शेडो दिखे या ना दिखे, डिफ्यूज इफेक्ट, ये सब चीजें दिखे या ना दिखे, वो आप यूज कर सकते हो। कहीं पे भी आपको इस तरीके की लाइट लगानी है जिसमें वी शेप आपको दीवारों पे चाहिए, तो आप इस तरीके की लाइट को यूज कर सकते हो। ये कहाँ पे लगती हैं, जब इसके ऊपर, अब ये ऐसे लग रहा है कि लाइट सोर्स तो है नहीं, सिर्फ लाइट दिख रही है, तो हमें लाइट सोर्स भी बनाने पड़ेंगे। जैसे लाइट्स होती है ना, लाइट्स लगानी पड़ेगी ताकि आपको दिखे कि उसके अंदर से लाइट निकलती है, क्लियर है? हाँ जी अगर मैं मान लो ये वाला स्फीयर लाइट ऑफ करूं तो ऑफ कर सकते हो, सिर्फ ये आपको दिखेगा। इसको ऑफ करोगे ऑफ कर सकते हो, उसको ऑन करना है तो इस तरीके से आप ऑन एंड ऑफ भी अपनी लाइट्स को कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट लाइट पे, जो कि है हमारी स्फीयर होगी, ये होगी। एक होती है IES लाइट, अभी जो इसके अंदर स्पॉट बना है वो तो एक वी शेप का है, हाँ बट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं स्पॉट बनाने के, उसे बोलते हैं IES लाइट्स। अगर आप जाओगे, आप इतने तरीकों से मैं अपनी दीवार पे स्पॉट बना सकता हूँ, 30 वेज होते हैं बनाने के। ये देखो, इस ऐसी लाइन चाहिए इस तरीके की, ऐसी ऐसी, तो उसके लिए हमें चाहिए आपका IES लाइट। तो IES लाइट के लिए आप गूगल पे जाओ और आप यहाँ पे लिखो IES लाइट डाउनलोड, अच्छा हमें आपके, एक्सेल डाउनलोड करना हाँ, तो पड़ेगा ये आएगा कोई भी लाइट का, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर दो, फ्री डाउनलोड, ठीक है? आपका डाउनलोडिंग ये होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको जहां पे डाउनलोड हो वहां पे जाना और उसको आपको कर देना है एक्सट्रैक्ट, ठीक है? ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो फोल्डर बन जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे इतनी सारी आपकी लाइट आ जाएगी, ये इतनी सारी लाइट। अब मान लो मेरे को जो आपने व्यू में लाइट चाहिए, मेरे को चाहिए कोई ऐसी 3 लो वेव वाली, तो हाँ इसकी फाइल ये है IES वाली। तो हमें करना क्या है, आपके स्केचअप पे जाओ, स्केचअप के जाने के बाद आपको यहाँ पे IES लाइट लो, क्लिक ऑन IES लाइट, ये क्या मैंने हटा दी क्या हो? यहाँ पे मैंने IES लाइट ली और लगानी ऐसे ही है, पहले ये बोलेगा चूज करो जी IES लाइट, डाउनलोड्स में जाओ, ये जाओ लाइटिंग में, और मैंने सिलेक्ट की थी 3 लो वाली। अगर इसमें आपको नहीं दिखाई दे अच्छे से तो यहाँ पे सारी फाइल तो दिखेगी,
वो नाम यूज करना पड़ेगा, थ्री लो वाली चूज की, करो ओपन करने के बाद जहां पे लगानी है, मान लो मेरे को यहाँ पे लगानी है, मैंने इस पे मान लो यहाँ पे लगानी है, मैंने क्लिक कर दिया, तो देखो लाइट आ गई आपकी, हाँ, इसको सिलेक्ट किया, अब हल्का सा क्या करूं बाहर की तरफ मूव कर दूं क्यों बाहर आ जाए? ताकि हल्की सी वो बाहर आ जाए, आ गई ना वो लाइन बनी हुई। हाँ, अच्छे से देखने के लिए मैं इसकी आईएस लाइट की इंटेंसिटी ऑन नहीं। करता हूं और इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ, मान लो मैंने 10,000 कर दिया, अब आई ना लाइट वैसी, हाँ और बढ़ा सकते हो, अब वो वाली लाइन बन रही है ना, हाँ एक कलर वगैरह आपको कितना रखना है वो दे सकते हो, जो भी आपको कलर वगैरह देना है कोई सेम चीज सब जो कुछ वही है। अब ये है कि इसके अंदर ऑप्शन है कि लाइट दूसरी चूज करनी है दूसरी चूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर शेप पॉइंट में है सर्कुलर करोगे सर्कुलर टाइप में दिखेगा, थोड़ा सा स्फेरिकल करोगे स्फेरिकल दिखेगा, डायमीटर कितना चाहिए वो यूज कर सकते हो, उसके हिसाब से आपका डायमीटर चूज कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे फ्रॉम आईएएस जितनी भी आईएएस की वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और फिर आप और भी चीजें हैं कि आप यहाँ पे हल्का सा बाहर की तरफ मूव करो, या हल्का सा आप इसको रोटेट करो दीवार की तरफ, ऐसे आपको दिखानी है, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप इसे यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी लाइट, वो होती है हमारी प्लेन लाइट, ठीक है, प्लेन लाइट से पहले ओमनी लाइट, ओमनी लाइट आपकी इसकी तरह है जैसे आपकी फ्री लाइट थी स्फीयर लाइट की तरह। ओमनी लाइट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वही अपने व्यू पे जाओ, और व्यू पे जाने के बाद कहीं पे भी एक ओमनी लगा दो, इसको मैंने मूव किया ऊपर की तरफ, तो आप देखोगे आपकी एक ओमनी लाइट आ जाती है यहाँ पे, रेंडर किया यहाँ पे, बढ़ाया ओमनी लाइट पे गए और इसकी इंटेंसिटी को मैंने 1000 से 10,000 कर दिया, तो आ नहीं ना ओमनी लाइट, हाँ जी, ये लाइट सोर्स नहीं बट दिखाएगा, ये सिर्फ इंटेंसिटी दिखाएगा, अगर आप ऑफ करते हो डार्क हो गया, ऑन करते हो ब्राइट हो गया, सारी चीजें आपकी इसके अंदर वही है, ओके। ये ओमनी लाइट हो गई। उसके बाद आती है एक डोम लाइट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट चलो बता देता हूँ। डोम लाइट से पहले आपकी आएगी रेक्टेंगुलर लाइट, सबसे ज्यादा यूज होने वाली लाइट यही रेक्टेंगुलर। है रेक्टेंगुलर लाइट। रेक्टेंगुलर लाइट क्या करती है, एक रेक्टेंगुलर की तरह होती है, क्लिक ऑन रेक्टेंगल और आपने ये रेक्टेंगल बना दिया मान लो, ठीक है, आपने ये नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, अब देखो नीचे से ऊपर रोशनी आ रही है, मैंने क्या किया इसको सिलेक्ट किया मूव किया ऊपर की तरफ, ये मेरी यहाँ पे आ गई लाइट, अब मैं इसको 1 मिनट के लिए बंद करता हूँ और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ नीचे की तरफ, ये मेरी नीचे की तरफ लाइट आ गई। अगर मैं अब इसको ऐसे देखूं पर्सपेक्टिव व्यू में, अगर मैं अब इंटरेक्टिव रेंडर पे जाऊं तो ये देखो ऐसे आ रही है ना लाइट आपकी, और अगर जूम करूं तो इस तरीके से लाइट आ रही है और आपके व्यू पे इस तरीके से लाइट पड़ रही है। अभी मैंने बाउंड्री क्लोज नहीं की हुई, जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी तो सिर्फ लाइट समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मान हाँ लो जी, मैंने स्फीयर लाइट को ऑफ कर दिया, मान लो मैंने ओमनी को ऑफ कर दिया, आईएस को कर दिया, स्पॉटलाइट को कर दिया, तो अब ये रोशनी सिर्फ इसलिए इसकी है, मान लो मैं ये सब दरवाजा फॉल सीलिंग्स में यूज होंगी ना, या फिर जो कहीं पे भी यूज कर सकते हो, अच्छा। सबका तरीका अलग अलग है यूज करने का, ठीक है, अब मैं फोटोज की हेल्प से भी समझाऊंगा कि किसको कहाँ पे यूज करना है। अब प्रॉपर्टी वही है, कलर क्या रखना है, इंटेंसिटी कितनी रखनी है लाइट की, यूनिट क्या रखनी है, रेक्टेंगुलर रखना है या डिस्क करना है, तो गोल हो जाएगी, रेक्टेंगल का साइज कितना रखना है, यू साइज और वी साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्शनल रखना है तो डायरेक्शनल करेगा, देखो अभी तो क्या है कि यहां तक आ रहा है ना, आ रही है। हाँ, अगर डायरेक्शनल करोगे तो आप देखो एक नीचे की तरफ स्पॉटलाइट की तरह वर्क करेगा ये, ठीक है। ऑप्शन में जाओगे वही इंटेंसिटी नो डिकाय शेडो ऑफ कर सकते हो, डबल साइडेड करोगे तो दोनों तरफ रोशनी आएगी, अभी तो एक साइड रोशनी आ रही है ना, दोनों साइड कर सकते हो, इनविजिबल करना है इनविजिबल कर सकते हो, और यहाँ पे रेजोल्यूशन जितना बढ़ाओगे उतनी आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी, बट उतना ही आपका रेंडर टाइम बढ़ जाएगा, क्लियर ओके। इतना, हाँ, ठीक है। अब ये सारी की सारी लाइट होगी जिनको हम यूज करेंगे, अब एक आ जाती है लास्ट में, वो है डोम लाइट जो डोम लाइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके व्यू को दिखाता है। अभी तो मैं आपका जो एनवायरमेंट मैंने बनाया है वो तो मैंने कैसे बनाया, सिंपल अपनी सनलाइट पे गया और इसकी हेल्प से बनाया है, हाँ, बट मेरे को एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट चाहिए,
उसे हम उसमें। बोलते हैं HDRI इमेजेस। ठीक है, HDRI इमेजेस क्या होती है? अगर मैंने यहाँ पे किया HDRI इमेजेस, तो अगर आप जाओगे इमेजेस पे तो ये होती है HDRI, जो 360 पैनोरमा वाली इमेजेस होती है। ओ इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि जब हम इसको लगाएंगे तो हमारा जो रेंडर होगा उसमें वो रिफ्लेक्शन दिखेगा, ये व्यू होगा भी नहीं वहां पे, बट आपके रिफ्लेक्शंस में वो दिखेगा, ताकि आपको एक रियलिस्टिक व्यू मिले और आपका पूरा एनवायरनमेंट इस तरीके से दिखेगा, स्काई वगैरह, समझ रहे हो? ओके हाँ फॉर एग्जाम्पल जी आप ये डाउनलोड कैसे करनी है, तो आपको जाना है एक साइट है HDRI हेवन, या फिर बहुत सारी साइट्स हैं HDRI इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए। आपको क्लिक करना है यहां से, इस साइट से आप HDRI इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हो, टेक्सचर भी कर सकते हो और मॉडल्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रही मेरी HDRI डाउनलोड करने की साइट। मान लो मेरे को किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, मेरे को बाहर का चाहिए, मान लो कि अब ये देखो ऐसा चाहिए, मान लो इसमें सन भी है ना मेरा, मैंने क्लिक किया इसको, आप HDR में डाउनलोड करो और यहाँ पे जितना ज्यादा करोगे फाइल साइज बढ़ जाएगा और उतना ही टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। तो मान लो तो मैंने 8K में कर दिया, डाउनलोड पे क्लिक किया और ये मेरा डाउनलोड हो गया। ठीक है, अभी मेरा डाउनलोड हो रहा है, इसको मैं अपने एनवायरनमेंट में लगाऊंगा, तो इसको लगाने के बाद मेरे को सनलाइट लगाने की कोई नीड नहीं है, अच्छा ये सारे काम सब करेगा। काम करेगा, इसी तरीके का एनवायरनमेंट बनेगा। तो मैंने ये देखो ये आ गई HDRI, इस टाइप का फॉर्मेट आएगा। आपको जाना है अपने स्केचअप पे, यहाँ पे यूज करना है अब आपको डोम लाइट, क्लिक ऑन डोम लाइट, कहीं पे भी क्लिक कर दो वहीं लग जाएगी डोम लाइट, क्लियर है? कहीं पे भी क्लिक कर दो, कोई फर्क मतलब नहीं उससे पड़ता। बाहर अपने हाँ ठीक है, अब जैसे ही डोम लाइट लगाई एकदम से स्काई आ गया ना ऊपर, रियलिस्टिक अगर से। मैं डोम लाइट को ऑफ कर दूं तो स्काई हट जाएगा। डोम लाइट लगाती है एनवायरमेंट अब आपके डोम के तरीके से होगा। अब डोम को सिलेक्ट किया, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला चेंज हो रहा है, ग्राउंड पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया ना, क्यों? नहीं। क्योंकि यहाँ पे डोम लाइट की प्रॉपर्टी में शेप है हेमिस्फीयर की, अगर मैं इसे स्फीयर कर दूं तो वो पूरे इफेक्ट करेगा कंप्लीट पे, बट उसके लिए इसके अंदर एक टेक्सचर होना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा डोम लाइट में, यहाँ पे टेक्सचर स्लॉट, मैंने इस पे क्लिक किया और इस फाइल को मैंने इस पे क्लिक किया और डाउनलोड्स में जाके मैंने इस HDRI को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन ओपन। तो अब आप देखोगे जो आपका व्यू बनेगा वो बनेगा इस HDRI इमेज के अकॉर्डिंग, चारों साइड का देखो घूम के दिख रहा है ना, चारों साइड सन आ गया, ये आ गया, बट क्या है कि इंटेंसिटी बहुत कम है। दिख नहीं रहा उसकी वजह तो से। मैंने यहाँ पे सनलाइट को कर दिया ऑफ, डोम लाइट पे गया और डोम लाइट की इंटेंसिटी को मैंने मान लिया 100 कर दिया, अब बढ़ गई इंटेंसिटी। जी सनलाइट को ऑफ करते मेरा ग्राउंड भाग गया, तो मैंने हाँ सनलाइट को यहां से ऑन किया और सनलाइट पे जाके थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया उसको। बढ़ा दिया। अच्छा ग्राउंड क्यों नहीं दिख रहा, मैंने सनलाइट को ऑफ ही किया, डोम पे गया, मैंने हेमिस्फीयर से स्फीयर कर दिया, अब आ गया आपका ग्राउंड, ओ यार अब चारों तरफ बट आपको। ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा उतना। हाँ बता रहा हूं ना, अब मैंने यहाँ पे मान लो इस एंगल पे मैं काम कर रहा हूँ, इस एंगल पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस लाइट को सिलेक्ट किया और इस लाइट को मैंने इनविजिबल कर दिया और मैं इस एंगल पे काम कर रहा हूं। इस एंगल के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, डोम लाइट को कभी भी हम इस ग्रीनरी और ट्रीज वगैरह या पहाड़ वगैरह के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको हम यूज करेंगे ओनली फॉर स्काई। ठीक है, अब मान लो मैंने डोम लाइट यहां पे लगाई, अब जो सनलाइट आ रही है वो इसी डोम लाइट के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, इसके टेक्सचर स्लॉट पे मैं जाता हूँ और टेक्सचर प्लेसमेंट पे जाता हूँ और हल्का सा इसे रोटेट करता हूँ, तो आप देखोगे आपकी सनलाइट घूम रही है चारों तरफ। अब कितना रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो कि मेरे को इस तरीके से रखना है और डोम पे जाके मैं इसकी इंटेंसिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ कि मेरे को इतनी इंटेंसिटी चाहिए। बेसिकली हमें फोरग्राउंड इतना नॉइजी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं चाहिए ना, वो ये मैच ही नहीं कर पा रहा आपकी व्यू से और इसको। ठीक है, अब आपको लाइट लगाना आ गया, सारी चीजें आ गई, चलो अब देखते हैं कि किस चीज को हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, अब आप सारी चीजें समझ जाओगे। अब जाएंगे हम सबसे पहले मान लो इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग पे जैसे ही जाते हैं आप एक एक सीन पकड़ लेते हैं। ठीक है,
चलो ये सीन पकड़ लिया पहले। अब इस चीज को करने के लिए हमने क्या क्या किया होगा बताऊं मैं क्या करके? ठीक मैं बताता हूं। पहले सबसे पहले है, ऊपर लाइट दिख रही है, दिस इज कोब लाइट, ये दिख व्हाट रही है ना को? लाइट, इस लाइट कोब लाइट, इस अच्छा, ये लाइट हमने नहीं सीखा ना? है। नहीं सीखा। एक सेकेंड, ये रेक्टेंगुलर लाइट नहीं है? अब आप सब कुछ सीख गए हो, सिर्फ देखना ये है कि लाइट को कहां पे प्लेस करना है। ओके ठीक ठीक है, है अब मैं बता रहा हूं कि किस लाइट को कहां पे प्लेस करना है, फिर हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें करके भी दिखाएंगे। ठीक है ठीक है। ये जो आपको लाइट दिख रही है ऊपर, दिस इज नोन एज कोब लाइट। इसको बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं? दो तरीके। पहला तरीका, अब इसमें मैं आपको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं। ठीक है, पहला तरीका तो आपका ये हो गया कि आपने मान लो ये वाला प्रोफाइल, ये मेरी फ्लोर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक, ग्रुप किया, ओके, और एक मैंने यहाँ पे उस टाइप की छत बना ली, इस टाइप का ना प्रोफाइल वो, हाँ इसको मैंने ऊपर ये किया कोब लाइट के, इसको मैंने ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट किया, मेक ग्रुप कंपोनेंट जो भी, और इसको मैंने मूव कर दिया ऊपर की तरफ ऐसे है, और उसके ऊपर ये छत आई हुई है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे वो वाला इफेक्ट है। ठीक है, इस इफेक्ट को पाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, मान लो मैंने इसको हाइड किया, पहला तरीका ये है कि मैं इसके ऊपर वाले फेस पे डबल क्लिक करूं, मटेरियल पे जाऊं, यहां पे एक मटेरियल बनाऊं, उसे बोलते हैं इमिसिव मटेरियल। इमिसिव, इमिसिव मटेरियल होता है लाइट के लिए। ओके। आपने इस पे क्लिक किया और ये देखो आ गया ना ये वाला लाइट मटेरियल, ये मटेरियल मैंने अप्लाई टू सिलेक्शन कर दिया, ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इंटेंसिटी मान लो मैंने 100 कर दिया अभी के लिए। ठीक है, सिर्फ इतना सा मैंने काम किया, बाहर क्लिक और मैंने सारी व्यू को अनहाइड ऑल कर दिया। इस व्यू पे जाता हूँ, इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करता हूँ, अब दिख रही है वो वाली लाइट, हाँ, इसकी इंटेंसिटी 100 है, मान लो मैंने अभी 20 कर दी, 10 कर दी, या फिर मैंने यहाँ पे 5 कर दी, या फिर मान लो मैंने 1 कर दी। आप देखो आ रहा है ना वो कोब लाइट वाला इफेक्ट, तो इमिसिव लाइट वो ऊपर वाले उस पर लगा दिया ऊपर हमने। वाले इस पे लगा दी, इससे मेरा ये इफेक्ट आ गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मूव कर दिया हल्का सा नीचे की तरफ, ताकि मेरे को और अच्छा और शार्प हो आपको गया। अच्छा ही में दिखाई दे। क्लियर है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लो मैंने इस पे ये वाला मटेरियल नहीं लगाया, इसको मैंने हाइड किया, इस पे मैंने मटेरियल नहीं लगाया, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मान लो मैंने नॉर्मल इसका मटेरियल मैंने यहाँ से हटा दिया। मटेरियल हटाने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करो, वी रे यूटिलिटी, और यहाँ पे ये ऑप्शन आता है एनेबल सॉलिड, अरे कहाँ गया, वी रे ऑब्जेक्ट, मटेरियल हटाने के लिए कहाँ गया, वो रिमूव मटेरियल था, रिमूव मटेरियल, ये मैंने कर दिया। तो अब आप देखोगे इसको रेंडरिंग करते हुए तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, अनहाइड ऑल, हट गया ना मटेरियल। ठीक है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अब इसे हाइड कर दिया। दूसरा तरीका यहां पे करने के लिए ये है कि मैं इसके ऊपर रेक्टेंगुलर लाइट लगा दूंगा ऊपर की तरफ देखते हुए। हाँ वही। दोनों ही तरीके हो सकते हैं, हाँ, अब वो लगाना कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में लगाना है, क्या कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आपको अब देखना है। तो यहाँ पे मैं ऑल करता हूँ अनहाइड, अब इस व्यू को दोबारा से मैं रेंडर करके देखता हूँ, अब दिख रहा है वही इफेक्ट। अब दोनों ही चीजें हैं कि आप या तो मटेरियल लगा दो या लाइट का यूज कर लो। क्लियर है? तीसरा क्या है कि यहाँ पे अगर आप जाओगे तो नीचे ये वाली लाइट दिख रही है, प्रोफाइल लाइट, स्पॉटलाइट ये तो स्पॉटलाइट से ना। हाँ, बना सकते हो या आईएस लाइट लगा सकते हो, आईएस लाइट, सॉरी। बट लाइट सोर्स दिखाने के लिए आप क्या करोगे, लाइट सोर्स बनाना पड़ेगा। क्या नाम है, सर्कल लिया, पुश किया नीचे की तरफ जितना आपको पुश करना है लगाने के लिए, उसके बाद राइट यहाँ पे इस फेस पे आपने क्या किया, सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पे ऑफसेट लिया और ऑफसेट को अंदर पुश कर और दिया। ऑफसेट को अंदर पुश कर दिया आपने इस तरीके से। इस वाले फेस पे आपने क्या लगा दिया, इमिसिव। ठीक है, और ये लगाने के बाद जब आप इसको रेंडर करोगे तो आपको ये दिखेगा ना चमकता हुआ, सर, तो फिर लाइट लगाने की क्या जरूरत है? इनसे भी लगा। इसकी इसकी वो रोशनी नहीं पड़ेगी ना, वो वी शेप नहीं आएगी ना दीवारों पे। ओ, बस इस वो शेप के टेक्सचर आएगा। लिए, हाँ इस शेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे क्या लगानी पड़ेगी, ये स्पॉटलाइट या फिर आईएस लाइट, क्लिक ऑन आईएस आईएस लाइट, कोई भी लाइट चूज करो और यहाँ पे इसके बीच में आप जाके
आप क्या करोगे, इसके बीच में जाके क्लिक कर दो, ये लग गई ना लाइट, ठीक हाँ है। जैसे ही आप यहाँ पे आप दीवार बनाओगे, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दीवार क्रिएट करता हूँ, ये मैंने यहां तक ली, ये मेरी वॉल हो गई, और इस वॉल को थोड़ा सा आगे करता हूँ, ऐसे ही आता ही, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसका रेंडर करता हूँ, तो अब देखो वो वाला इफेक्ट अब आएगा ना इसका। अब मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई ऑन की, और इसकी इंटेंसिटी मान लो मैंने 10,000 कर दी, अब वो लाइन आ रही है, और अब ये देखो आ रहे हैं दीवार पे ऐसा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइट आपने कितनी दूर और कितनी ऊपर लगाई है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको लाइट बिल्कुल चिपका के लगानी है, हाँ लाइट सोर्स आपने लगा दिया, लाइट सोर्स दिखाने के लिए आप इसको सिलेक्ट करो, मटेरियल मूव करो नीचे की तरफ ऐसे, और थोड़ा सा आप इसे दीवार की तरफ भी मूव कर सकते हो ताकि ये लाइट दिखे। अब दिख रही है ना, हाँ लाइट सोर्स अलग लगा है, लाइट अलग लगी है, और इस तरीके से आपने प्रोजेक्शन बनाया है। राइट अब ये भी क्लियर है, हाँ ये भी क्लियर है, कॉब लाइट भी क्लियर है, ठीक जी, है। एक चीज क्लियर नहीं है कि लाइट के अंदर ये कैसे आ रहा है। ये तो वापस इमिस सॉरी IES हाँ लाइट। आई एस, बट एक होता है आपका मैश लाइट, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैश लाइट क्या होता है कि मान लो आपको एक ट्यूबलाइट बनानी है, ठीक है। आपने क्या किया ट्यूबलाइट बनाने के लिए, मैंने इसको राइट क्लिक, इसको ग्रुप करता हूँ, कंपोनेंट वगैरह वगैरह, एक सर्कल बनाया मान लो, और आपने इसको मूव कर दिया, ये मैंने अपनी बेसिकली एक ट्यूब बना दी, ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक में कंपोनेंट ट्यूब ले लिया, और इसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया थोड़ा यहाँ पे और थोड़ा अंदर की साइड, ये ठीक है। अब मैं जब इसका रेंडर करूं, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इसका रेंडर करूं तो ये ट्यूब की तरह नजर आए मुझे जलती हुई, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे अब यूज करूंगा मैश लाइट, ये वाली लाइट, ठीक है। मेरे को क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट को एज ए मैश क्रिएट करना है, मैंने सेलेक्ट किया मतलब मूव किया इसको क्रिएट, देखो वैसे तो आप जाओगे तो मैश लाइट आपको हाइट दिखेगी, मान लो बाहर क्लिक करो तो अब डिसेबल है ना, जैसे ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा अनेबल हो गई, क्लिक ऑन कन्वर्ट टू मैश लाइट, तो इसने इसको मैश बना दिया। अब अगर आप रेंडर करोगे तो ये लाइट की तरह वर्क करेगी, अब हाँ और अब इसकी प्रॉपर्टी पे जाओगे तो मैश लाइट की अब अलग से प्रॉपर्टी है, किसकी इंटेंसिटी कितनी चाहिए, पावर कितनी चाहिए, वो सारी आपने प्रॉपर्टी मैश को सिलेक्ट कहाँ से किया एक बार? बताता हूं ना। अब मान लो मैंने अंडू किया, ये मैंने ट्यूब बनाई थी सिंपल, बट हाँ ये जलती हुई नजर नहीं आ रही, तो नहीं मैं ओके इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहां पे ये है कन्वर्ट टू मैश लाइट, वीवी लाइट्स में, तो आप इस पे क्लिक करो तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इन मैश लाइट। अब ये जलती हुई नजर आ रही है ना, आप इसे एज ए ट्यूब लाइट यूज कर सकते हो। आप हाँ मतलब मैश लाइट का मतलब है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट बना सकते हो, कोई भी शेप बनाओ तो वो आपकी लाइट बन जाएगी, आपने ये शेप बनाई इसको एज ए मैश क्रिएट कर दो, समझ रहे हो, हाँ मैश लाइट इन इंटीरियर, तो उन्होंने सर्क्युलर वो यूज करके उसको मैश बना दिया। बिल्कुल कोई भी लाइट बनाओ उसको एज ए मैश लाइट बना दो। देखो या तो इसका मटेरियल इमिसिव कर दो हाँ या फिर इसको एज ए मैश लाइट यूज कर दो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास, हाँ क्लियर है। हाँ तो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे ही जैसे बाहर से लाइट आई हुई है, बाहर HDR इमेज लगाई हुई है, बट ज्यादा लाइट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ पे विंडो बनती है, जो यहाँ पे विंडो बनेगी, यह मैंने पीछे की तरफ पुश किया, टू फेस अंडू, तो हम एक रेक्टेंगुलर लाइट यहां पे लगाएंगे उधर, ताकि लाइट आने के लिए। हाँ, ताकि जब हम रेंडर करेंगे ना इसका, तो ये वाली पावर दिखाएगी आपको कि अंदर की तरफ ऐसे लाइट आ रही है, देखो आ रही है ना, हाँ तो और फिर उसका इसको कलर हम, चेंज। हाँ इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको इनविजिबल कर देंगे, ताकि हमें लाइट सोर्स नहीं चाहिए, लाइट सोर्स तो वही चाहिए जो हम बाहर से आ रहा है, हाँ इस लाइट की पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट किया, ये मेरी रेक्टेंगुलर लाइट है, यही है ना, हाँ
इस रेक्टेंगल लाइट को इनविजिबल कर देंगे ताकि लाइट सोर्स ना नजर आए, सिर्फ इसकी इंटेंसिटी नजर आए। लाइट तो बाहर का सीन तो वही दिखे जो हमने HDRI मेरी से लगाया हुआ है या फिर नॉर्मल आपका बाहर का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो ये कौन सी लाइट लगाई हुई है, कोब लाइट, ये मिसी मटेरियल, हाँ ठीक है। उसके बाद इस पे वही इतनी सारी लाइट के लिए बाहर से लाइट आई हुई है, कर्टेन कैसे बनाना है, ये होता है टू साइडेड मटेरियल जो कर्टेन पे लगता है, ये भी अच्छा करके दिखाएंगे। तो आप एक व्यू को देख के अब आप खुद समझ सकते हो इंटीरियर डिजाइन नाइट व्यू। एक व्यू को देख के आप खुद समझ सकते हो ऊपर कौन सी लगी है, यहाँ पे प्रोफाइल कौन सी लगी है, ये लाइट लगी हुई है, दिख रहा है ना अभी। इस तरीके से आप खुद समझ सकते हो कि कौन कौन सी लाइट कहाँ पे लगी है, ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो इस तरीके की आप लाइट लगाओगे, जितनी भी आप ये लाइट लगाओगे राउंड लाइट है जितनी भी है, इनमें आप इमिसिव मटेरियल लगाओ और उसके नीचे लाइट जरूर लगाओ। अब लाइट बीच में तो आप ये इतनी है IS लाइट लगाओगे, IS लाइट आप सिर्फ वहां पे यूज करोगे जब आपको दीवारों पे इस तरीके का प्रोजेक्शन चाहिए। अगर आपको इस तरीके का प्रोजेक्शन वॉल्स पे नहीं चाहिए तो आप हर एक लाइट के नीचे रेक्टेंगुलर लाइट लगाओ, ओके हर एक लाइट के नीचे। कैसे कि आपने ये लाइट बना दी, लाइट बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ और एक रेक्टेंगुलर लाइट क्रिएट करो, क्रिएट टोन रेक्टेंगुलर, और ये लाइट इस तरीके से क्रिएट करके मूव करो इसको नीचे की तरफ ताकि इसमें से ऐसा लगे कि रोशनी इसमें से ही आ रही, आ रही है। ओके और ये सारी लाइट के नीचे लगाओगे, हाँ ठीक है। और क्या करोगे, दूसरी चीज आप क्या करोगे, अब मान लो आपने लाइट लगा दी, इसको इसको सिलेक्ट किया राइट क्लिक, इसको आपने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, ये मेरा हो गया लाइट, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके एक कंपोनेंट अलग क्रिएट कर लिया, लाइट 1 या 2 जो भी है। अब ये मैंने क्यों किया, इससे करने से क्या होगा, मान लो इन केस मान लो मैंने अंडू किया, मैंने ये लाइट यहाँ पे डिलीट कर दी, अब मेरे पास ये जो है लाइट मैंने इसको क्रिएट किया, कंपोनेंट क्रिएट कर दिया और L2 मैंने कर दिया और मैंने इसको सिलेक्ट किया, मूव किया यहां से, मेरे को इतनी सारी लाइट लगानी है और मान लो मैंने 3x कर दिया, मेरी 3 लाइट यहाँ पे लग गई, ठीक है। अब इस ऐसी ऐसी मेरे पास 40-50 लाइट बहुत हो सकती है। अब मेरे को सबके नीचे रेक्टेंगुलर लाइट लगानी है। अब रेक्टेंगुलर लाइट लगाने के लिए क्या करूं, या तो मैं क्या करूं, एक एक करके लाइट लगाऊं, पर आपने वो कंपोनेंट बना दिया तो मैंने ऑटोमेटिक। कंपोनेंट बना दिया ना, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा ये हुआ कि अगर मैं अब एक को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके इसके नीचे मैं कोई भी लाइट लगाता हूं, या तो IES या स्पॉट लाइट या कोई भी, तो वो सबके अंदर लग जाएगी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसके बाद जब आप अपना रेंडर करोगे तो उसी तरीके से वो आपका इफेक्ट दिखाएगा, क्लियर है। यस ऐसे आप इस तरीके के लाइट्स लगा सकते हो, ये आपकी मैश लाइट है, ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ये लाइट्स आपको पता है आप कैसे कैसे लगेंगी। अब जैसे ही आप देखोगे अपने व्यू को आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी लाइट और कैसे कैसे वहां पे लगने वाली है। सर। सो अभी मुझे कोई फोटो उठा के उसमें से सीन क्रिएट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां से कोई भी इमेजेस आप उठाओ और उसके तरीके से उसको बनाने की ट्राई करो, ठीक है सर। कोई एक और भी इमेजेस। क्वेश्चन था, हम जी पोर्टफोलियो में कब काम शुरू करेंगे? एक बिकॉज बार अगर आप ये स्केचअप सीख जाओ उसके बाद हम पोर्टफोलियो के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो सर क्योंकि फिर जनवरी एंड तक हम मैं अपलोड कर सकती हूँ अपना बिल्कुल पोर्टफोलियो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगर 4 से 5 प्लान्स भी होंगे ना पोर्टफोलियो में तो भी आई थिंक सफिशिएंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बस एक बार आप सीख जाओ 2-3 क्लासेस में और आप अच्छे से सीख जाओगे, फिर हम पोर्टफोलियो पे काम स्टार्ट करेंगे, ठीक वही है। क्योंकि मैंने अभी इंटर्नशिप ढूंढ लिया, बट वो ही मुझे पैटर्न मेकिंग और उन सब का मिल रहा है, लाइक फोटोशॉप एंड ऑल दैट। मुझे लाइक कोर इंटीरियर इंटर्नशिप चाहिए थी, तो आपके पास कुछ आपको आइडिया है कहाँ से मेरे को मिल सकता है? हाँ मैं एक बार पता करता हूँ उसके बारे में फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। जी ओके, नेक्स्ट जो ये एक्सटीरियर सीन आपका, यस एक्सटीरियर में हम यस क्या यूज करते हैं, HDRI इमेजेस यूज किए हैं। एक चीज का ध्यान रखना, HDRI इमेजेस जब भी यूज करोगे तो जो मैच नहीं कर रहा था भाई ग्राउंड वेल वो क्वालिटी या बैकग्राउंड क्वालिटी ट्रीज क्वालिटी, तो हम HDRI को ओनली फॉर स्काई यूज करते हैं। और नीचे आपके हेमिस्फीयर रेंडर के एंगल ऐसे होंगे कि आपको ओनली स्काई नजर आएगा HDRI का। तो ये हम जो हेमिस्फीयर चेंज करेंगे क्या, उसका लोअर वाला?
क्या ही चेंज करेंगे, एंगल ही उसी तरीके से लेंगे ना हम कैमरा एंगल। अच्छा तो ये जो ट्रीज वगैरह है हमने इसके लगाए हैं, या एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे ताकि मेरे को सिर्फ HDRA का स्काई नजर आए, बाकी चीजें मेरे को देखनी नहीं है, समझ तो रहे हो? बाकी ट्रीज वगैरह कैसे आएंगे? अच्छा ये वो कंपोनेंट डाउनलोड करो, 3D वेयरहाउस ओके से लेके आओ सारे ट्रीज, ये जितने भी यहाँ पे प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है? अब देखो जितने भी एंगल HDRA के साथ ट्रीज इसने स्केचअप के लिए हुए, HDRA का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके एंगल इस तरीके से होंगे, आपकी बाउंड्रीज इस तरीके से होंगी, सिर्फ स्काई आपको नजर आएगा, आपको वो चीजें नजर नहीं आएंगी जो उसके अंदर जो मैच नहीं करती आपके सीन को, क्लियर हाँ है? हाँ, ये आपको करना है, ठीक है? तो अब आप कोई भी इसमें से व्यू निकालो, कोई भी, और आप उसको बनाने की ट्राई करो, लाइट कुछ भी लाइट वाला, मतलब जैसे भी आप बनाना चाहते हो ना, वाला। इंटीरियर का ले सकते हो लाइट्स वगैरह के साथ, तो उसमें हम एक पूरा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम सारी लाइट करके भी दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है सर, तो चलो फिर, ओके। हाँ नेक्स्ट क्लास कर लेना फिर। हाँ कल है, ठीक है, आप ठीक है, अपना ओके, टाइम बोल दीजिएगा, 2 बजे। सेम टाइम पे कर लेंगे, 2 बजे। ठीक है। हाँ ठीक है, ओके।